इस मौखिक अभ्यास अथवा स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको लेटेक और बिबटेक के प्रयोग से रेफरेंसेस का निर्माण सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको रेफरेंसेस के डेटाबेस का निर्माण करना है, जिसका फाइल नाम ref.bib है। हम इस फाइल में नीचे जाएंगे और फिर ऊपर। हर एक रेफरेंस एक विशेष कीवर्ड से शुरू होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कीवर्ड है KMM07। मैं इस लेटेक फाइल को खोलती हूँ। इस लेटेक फाइल में आप जिस स्थान पर रेफरेंस का उपयोग करना चाहते हैं वहाँ पर साइट आदेश दें। यहाँ देखिए, साइट KMM07 पहला रेफरेंस जो हमने ref.bib में देखा था। आगे उस फाइल का नाम जोड़ें जिसमें रेफरेंस सोर्स फाइल में है। यहाँ मैंने इसे डॉक्यूमेंट के अंत में शामिल किया है, बिब्लियोग्राफी ref। याद रहे, रेफरेंसेस ref.bib फाइल में है। आखिर में आपको ये स्पष्ट करना है कि बिब्लियोग्राफी के किस स्टाइल का प्रयोग करना है। अगर हम यहाँ पर प्लेन स्टाइल या सरल स्टाइल का प्रयोग करेंगे तो निम्नलिखित आदेशों के अनुक्रम से हम सरल स्टाइल में रेफरेंसेस निर्माण कर पाएंगे। सबसे पहले सोर्स फाइल को पीडीएफ लेटेक रेफरेंसेस द्वारा संचय करें। बिबटेक रेफरेंसेस आदेश का पालन करें। और तीसरी बात, सोर्स फाइल को पीडीएफ लेटेक रेफरेंसेस द्वारा दो बार संचय करें, पहली बार और दूसरी बार। रेफरेंसेस निर्माण हो गए हैं। आइए देखें। दूसरा पन्ना, यहाँ पर मूल पाठ है और यहाँ पर रेफरेंसेस की सूची है। नीचे जाएंगे। सरल स्टाइल में रेफरेंसेस वर्णमाला के क्रम से और नंबरिंग के साथ दिखाई देते हैं। ये नंबर मूल पाठ में भी उपयोग में लाया जाता है। UNSRT रेफरेंसिंग स्टाइल सरल स्टाइल के समान है, सिवाय एक अंतर के। यहाँ पर UNSRT टाइप करें। रेफरेंसेस का क्रम इस तरह सूचीबद्ध है जिस तरह से वे पहले लागू होते हैं। अब हम सरल स्टाइल को UNSRT स्टाइल में बदल देते हैं, कुछ इस तरह से। और फिर एक बार लेटेक और बिबटेक की कार्यविधि को दोहराएंगे, यानी कि पहले सोर्स फाइल पीडीएफ लेटेक द्वारा, अगला सोर्स फाइल बिबटेक द्वारा और फिर सोर्स फाइल लेटेक द्वारा दो बार, पहली बार और दूसरी बार। परिणाम पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि रेफरेंसेस के क्रम का निर्माण ठीक उसी क्रम में हुआ है जैसे वे पेपर पर उद्धृत हैं। उदाहरण के लिए, पहला रेफरेंस यहाँ पहले उद्धृत है, दूसरे रेफरेंस को यहाँ दो उद्धृत किया गया है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ये उद्धृत है। इस सूची में वो दूसरे स्थान पर है। इस सूची में नीचे जाएंगे। ठीक है, अब वापस यहाँ। कंप्यूटर वैज्ञानिक अपने प्रयोग के लिए जिस तरह से रेफरेंसेस का निर्माण करते हैं उस तरह हम भी कर सकते हैं अगर हम स्टाइल को अल्फा करें। आइए स्टाइल को अल्फा में बदल देते हैं। सुरक्षित करें
और लेटेक और बिबटेक की कार्यविधि को दोहराएं, यानी कि पहले सोर्स फाइल पीडीएफ लेटेक द्वारा, अगला रेफरेंसेस बिबटेक द्वारा और फिर रेफरेंसेस लेटेक द्वारा दो बार। अब हमें ये रेफरेंसिंग स्टाइल प्राप्त हुआ है। आइए देखें। ठीक है, रेफरेंसिंग के अन्य स्टाइल्स भी हैं। मैंने दो फाइल डाउनलोड किए हैं, harvard.sty और ifac.bst। निम्नलिखित परिवर्तन करें। पहले यूज पैकेजेस में हार्वर्ड का प्रयोग करें, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ, और फिर स्टाइल को आईफैक में परिवर्तन करें। फाइल को सुरक्षित करें। अब लेटेक और बिबटेक की कार्यविधि को दोहराएं। लेटेक, बिबटेक, लेटेक पहली बार और लेटेक दूसरी बार। रेफरेंसेस की सूची इस पीडीएफ फाइल के अनुरूप है। आइए देखें। ये वर्णमाला के क्रम से सूचीबद्ध है, लेकिन यहाँ कोई सीरियल नंबर नहीं है जैसे सरल स्टाइल में था। रेफरेंसिंग लेखक के नाम और वर्ष से सूचित है। इस स्टाइल में एक विशेष आदेश है, साइट एज नाउन। इससे लेखक का नाम मूल पाठ में उद्धृत होता है, न कि कोष्टक के भीतर। यहाँ हमने सिर्फ साइट आदेश का प्रयोग किया है और हमें सारे रेफरेंसेस कोष्टक के भीतर प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए दूसरे परिच्छेद को देखें, पाठ्यपुस्तक साइट KMM07 द्वारा, पाठ्यपुस्तक लेखक और पूरी जानकारी कोष्टक के भीतर है। अगर मैं इसे साइट एज नाउन में परिवर्तित करूं, सुरक्षित करूं और संचय करूं, तो ये मौद्गल्य कोष्टक के बाहर मूल पाठ में आ गया है। अगर आप अन्य रेफरेंसिंग स्टाइल्स चाहते हैं तो वेब पर खोज करें। संभवतः किसी व्यक्ति ने आवश्यक STY और BST फाइल्स लिखे होंगे। यहाँ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करती हूँ। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी राय kannan@iitb.ac.in पर भेजें। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं नैन्सी आपसे विदा लेती हूँ।